हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइम स्टैम्पिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। डाटाबेस ट्रांजैक्शन में ये यूज़ होता है बहुत कॉमनली। सो व्हाट इज़ अ टाइम स्टैम्प? सबसे पहली बात है कि टाइम स्टैम्प आखिर होता क्या है। सो टाइम स्टैम्प इज़ अ टैग दैट कैन बी अटैच टू एनी ट्रांजेक्शन और एनी डाटा आइटम विच डिनोट स्पेसिफिक टाइम और विच ऑन विच द ट्रांजेक्शन और डाटा आइटम हैड बिन एक्टिवेटेड। तो एक टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प एक टैग है जो स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है जब हमारा ट्रांजेक्शन या डाटा आइटम एक्टिवेट हुआ था। नाउ देर आर डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। सम ऑफ द मेथड्स आर लाइक यू कैन यूज सिस्टम क्लॉक। जो सिस्टम की क्लॉक है वो एज ए टाइम स्टैम्प यूज़ हो सकती है। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ लॉजिकल काउंटर दैट इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर ए न्यू टाइम स्टैम्प हैज़ बीन असाइंड। सो आउट ऑफ दिस टू एनी वन ऑफ द अप्रोचेस कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द टाइम स्टैम्पिंग मेथड। Now see, if a transaction TI or T1 has assigned a timestamp TS T1, कि एक ट्रांजेक्शन T1 आया और उसको timestamp मिला TS T1 और TS1, and after some time another transaction comes T2 and it gets timestamp TS2, then always it is mandatory that timestamp of first transaction is less than timestamp of second transaction. You can see from these two methods also, अगर देखिए मैं सिस्टम क्लॉक को इम्प्लीमेंट करता हूँ और ये मेरे पास आई थी एट 9 अकॉर्डिंग टू क्लॉक, तो इसका जो टाइम स्टैम्प है दैट इज 9 और ये उसके थोड़ी देर बाद आई है, चाहे 9:05 पे आई है तो इसका जो टाइम स्टैम्प है दैट इज 9:05। सो वी कैन से दैट 9 इज लेस देन 9:05। और अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल काउंटर और इसके टाइम पे काउंटर की वैल्यू 1 थी तो ये हो गया 1 और काउंटर की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करती है। अब इसके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स आई होंगी तो हो सकता है इसका जो काउंटर है वो रीच कर गया 5 पे। सो टाइम स्टैम्प ऑफ 2 इज 5, अगेन 1 इज लेस देन 5। So this is true that the transaction that enters the system earlier has lower timestamp value than the transaction which enters the system after a certain time. Now to implement the scheme, each data item Q has two different timestamp values, or we can say that two different types of timestamp values. One is W timestamp Q, one is W timestamp Q and another is R timestamp Q. W timestamp is the largest timestamp of any transaction that executed write Q successfully. So WQ kya hai? It is the largest timestamp of any transaction that executed write Q successfully. And read Q is the largest timestamp of any transaction that executed read Q successfully. Now we will see in the lecture that these two are very important in implementing the time stamping method. Next we will see about the time stamp ordering protocol. So time stamp ordering protocol says it ensures that any conflicting read and write operations are executed in a
टाइमस्टैम्प मैनर। सपोज ट्रांजैक्शन आई ने एक रीड क्यू का ऑपरेशन इशू किया कि ट्रांजैक्शन टी आई रीड करना चाहता है डाटा आइटम क्यू को। देन देर आर सर्टेन केसेस। सबसे पहला केस क्या है, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई, इसका टाइम स्टैम्प इज लेस देन डब्ल्यू क्यू, कि जो राइट हुआ था उससे पुराना है, सो इट मीन्स ट्रांजेक्शन टी आई इज एन ओल्डर ट्रांजेक्शन, इज एन ओल्डर ट्रांजेक्शन देन द लास्ट ट्रांजेक्शन दैट रोट द वैल्यू ऑफ क्यू। सो इन दिस केस रिक्वेस्ट विल फेल। सो इन दिस केस रिक्वेस्ट विल फेल, दैट मीन्स टी आई विल नॉट गेट एक्सेस टू इशू रीड क्यू। नेक्स्ट, इफ इफ द टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई is greater than or equals to WQ, then TI is allowed to read the updated value of Q. In this case, TI is allowed to read the updated value of Q. So this is in the case of if TI issues read queue command. Now if TI issues write queue, then again there are certain cases. First, if timestamp of TI is greater than equals to WQ and timestamp of TI is greater than equals to read queue, कि write और read दोनों से उसका timestamp बड़ा है, then in this case टी आई इज़ अलाउड, क्योंकि टी आई देखिए क्या हुआ, ये न्यूअर ट्रांजेक्शन है देन डब्ल्यू क्यू और आर क्यू, सो टी आई इज़ अलाउड टू मॉडिफाई और राइट द वैल्यू वैल्यू ऑफ क्यू एंड टी एस टी आई, इसका जो टाइम स्टैम्प होगा अब, and TSTI will become current value of WQ. इसी में एक और है हमारे पास, if timestamp of TI is less than read queue, then it means a younger transaction is already using the value of Q. It means younger transaction is already using the value of Q. So, अगर कोई younger transaction पहले से ही Q की value को use कर रहा है, then in that case, updation is not allowed. तो इस केस में अपडेशन अलाउड नहीं होगा। देन वी हैव इफ ट्रांजेक्शन इज ग्रेटर देन रीड क्यू बट लेस देन डब्ल्यू क्यू। अब इसका क्या मतलब है कि एक यंगर ट्रांजेक्शन ने क्यू की वैल्यू को अपडेट कर दिया, इट मींस यंगर ट्रांजेक्शन हैज अपडेटेड value of Q. And the value that TI is writing must be based on an obsolete value of Q. क्योंकि देखिए अपडेट कर चुका है ये, सो अगर TI write कर रहा है then there may be an obsolete value. So in that case also
TI is not allowed. TI is not allowed to modify Q. So this is timestamp ordering protocol. दो डिफरेंट इसमें हो सकते हैं कि अगर या तो रीड ऑपरेशन के लिए इशू करेगा या फिर राइट ऑपरेशन के लिए. सो आपको ये सारे केसेस इसके बारे में पता होना चाहिए. यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बाई क्लिकिंग द ई ओवर हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन डाटाबेस एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.